A warm welcome to my food channel, Food Delicacy. आज हम बनाने वाले हैं एक बंगाली रेसिपी. बहुत सिंपल है और मज़ेदार है. इससे पहले मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर इट. तो इसके लिए आज हमारी रेसिपी के लिए चाहिए सूरन और कच्चा केला. इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट के रख लिया है. प्याज फ्राई किया मैंने तेल में और इसमें सूरन और कच्चा केला मैंने डाल दिया. और मैंने ये छोटी मछली भी फ्राई करके अलग रख के रखी है, नमक और हल्दी डालकर. ये मसाला है, इसमें है सरसों, पोस्तो, लहसुन, मिर्च. बस इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए. नमक हल्दी ऑब्वियसली चाहिए ही. तो ये छोटी मछली हमारी बिल्कुल रेडी है, नमक हल्दी डाल के फ्राई की हुई. अभी सूरन और कच्चा केला हमने फ्राई कर लिया अच्छी तरीके से, ये देखिए. फिर इसमें हमने मसाला डाल दिया और मसाले डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके फिर इसे वापस फ्राई करेंगे. अब इसमें हमने नमक और हल्दी डाल दिया और इसे मिक्स करके फिर पकने देंगे. थोड़ा पानी डालकर और कवर लगा के अब हम इसे पूरी तरह से पकने देंगे. ढककर इसे हम पका रहे हैं, सूरन और कच्चा केला. काफ़ी लोग सूरन को ओल भी बोलते हैं. ये देखिए, ये सूरन और कच्चा केला पक चुका है, पानी इसकी सूख चुकी है पूरी तरीके से. हमने इसमें और पानी ऐड किया और इसमें बॉयल आने तक थोड़ा वेट किया. जब इसमें बॉयल आ गई है तब हम इसमें छोटी मछली जो हमने नमक और हल्दी के साथ फ्राई किया था वो मिक्स कर दिया. अब इसे तेज़ आंच में थोड़ी देर मिलाएंगे. जब ये थोड़ा ग्रेवी इसका थिक हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे और सर्व करेंगे और खाएंगे. इसके मज़े लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए.